सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। ये मेरा वीडियो नंबर 12 है, 12। आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। प्रोनाउन, इससे पहले नाउन क्या था? नाउन की डेफिनेशन मैं बता चुका था आपको। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, फीलिंग, सिचुएशन एक्सेट्रा। नाउन की डेफिनेशन बताई थी मैंने। नाउन की शॉर्ट डेफिनेशन है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इतने से काम चल जाएगा, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। आगे इसको बढ़ा सकते हैं डेफिनेशन को, विच डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ग्रुप, थिंग, इमोशन, सिचुएशन, फीलिंग एक्सेट्रा। नाउन किसी चीज का नाम होता है, किसी ग्रुप का, किसी क्लास का, किसी मेटीरियल का, स्थान का, चीज का, भावनाओं का, किसी ग्रुप का, किसी आदमी का, किसी एक क्लास का, किसी ग्रुप का, वो नाउन कहलाता है। प्रोनाउन की डेफिनेशन आज हम प्रोनाउन करें। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन की जगह जिस शब्द का प्रयोग होता है वो प्रोनाउन सर्वनाम कहलाता है। नाउन की जगह जिस शब्द का प्रयोग होता है वो प्रोनाउन हिंदी में सर्वनाम कहलाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के मुख्यतः 10 काइंड्स, 10 प्रकार, 10 किस्में होती हैं। 10 प्रकार के होते हैं प्रोनाउन्स, ये हमारे लिख रखे हैं। नंबर एक, पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस। नंबर दो, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। नंबर तीन, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। नंबर चार, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नंबर पांच, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नंबर छह, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, नंबर छह, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नंबर सात, इम्फेटिक प्रोनाउंस, नंबर सात, इम्फेटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक, इनमें शब्द वही होते हैं, शब्द वही होते हैं, इनका प्रयोग इस्तेमाल अलग अलग होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, इनमें शब्द वही होते हैं, इनका अर्थ, इनका मीनिंग, इनकी सेंस अलग होती है। रिलेटिव प्रोनाउंस, नंबर आठ, रिलेटिव प्रोनाउंस। नंबर नौ, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल। हम इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, रेसिप्रोकल थोड़ा आसान रहता, बढ़िया रहता सुविधा बोलने में। ये एक्चुअली होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल थोड़ा बोलने में कठिन है, हम रेसिप्रोकल बोल देते थे, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल, ऐसे कहलाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, नंबर 10, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। एक बार 10 के 10 फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। नंबर एक, पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस। नंबर दो, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, इनडेफिनिट। नंबर तीन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। नंबर चार, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नंबर पांच, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नंबर छह, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नंबर सात, इम्फेटिक प्रोनाउंस। नंबर आठ, रिलेटिव प्रोनाउंस। नंबर नौ, रिसिप्रोकल प्रोनाउंस, रिसिप्रोकल। नंबर दस, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। अब इनकी व्याख्या करूंगा आपके सामने, इनका कैसे प्रयोग होता है, इनका क्या मतलब निकलता है, क्या सेंस होती, किस तरह प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउन के डेफिनेशन फिर सुन लीजिए। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये पर्सनल प्रोनाउंस, ये पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउंस में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये ऊपर मैंने लिखा है डेफिनेशन,
डेफिनेशन परिभाषा, डेफिनेशन परिभाषा, कुछ बच्चे इसके स्पेलिंग गलत कर देते हैं, कुछ बच्चे इसकी स्पेलिंग गलत कर देते, डेफिनेशन लिखते हैं, नेशन राष्ट्र में, नेशन में राष्ट्र में जो नेशन आता है ए लगा देते हैं, डेफिनेशन एन आई डी ई एफ आई एन आई, एन केवल आई आएगा ए नहीं, डेफिनेशन नेशन नहीं आएगा, ये मैंने लिख दिया इसलिए। तो पर्सनल प्रोनाउन के तीन केस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये होते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, जो नॉमिनेटिव केस होते हैं ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, जो नॉमिनेटिव केस होते हैं सब्जेक्ट का काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, पोजेसिव केस पोजेशन को बताते हैं कि इस चीज का मालिक कौन है, किससे संबंध इसको रखने वाला कौन है, इस चीज का मालिक कौन है, ये चीज किससे संबंध रखती है, इसको रखने वाला कौन है, ये चीज किसकी है, दैट इज कॉल्ड पोजेसिव केस, मालिकाना हक, इस चीज का मालिक कौन है, ये चीज किसकी है, दैट इज पोजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट का काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट का, पोजेसिव केस बताते इस चीज का किससे संबंध है, किससे ताल्लुक है, कौन इसका मालिक है। फर्स्ट पर्सन में दो शब्द होते हैं आई और वी, आई सिंगुलर है, आई का प्लूरल वी, आई माने मैं, वी माने हम, आई माने मैं, वी माने हम, आई सिंगुलर वी प्लूरल, जब सब्जेक्ट लगाना होता है तो आई और वी आते हैं, इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट का काम करते हैं आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। इनके ऑब्जेक्टिव केस बनेंगे मी और अस, ऑब्जेक्टिव केस आई का मी, वी का अस, मी सिंगुलर अस प्लूरल, मी सिंगुलर अस प्लूरल, द टीचर गेव मी अ बुक, द टीचर गेव मी अ बुक, मी आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, द टीचर गेव अस ए फ्यू बुक्स, द टीचर गेव अस अ फ्यू बुक्स, अस हमारे को, ये प्लूरल है, मी का प्लूरल, ये ऑब्जेक्ट केस है, मी सिंगुलर अस प्लूरल, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट में आते हैं, एक्टिव पैसिव में काम आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस मी और अस। पोजेसिव केस, ये चीज किसकी है, इसका मालिक कौन है, किसका मालिकाना हक है, इसको रखने वाला कौन है, मी का माई, माई नहीं बनेगा, माई एडजेक्टिव होता है, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, अवर इसको बोलते आर, आर बोलने में मजा नहीं आता, आर पहले तीन चार होते हैं, ओ यू आर अवर घंटा, उसको भी आर बोलते हैं, ए आर ई आर अवर। माइन सिंगुलर अवर होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता, आवर्स एस लग जाएगा, आवर्स एस लगेगा, और आर के और एस के बीच में एक कॉमन ही आएगा, अपोस्ट्रोफी का कॉमन नहीं आएगा, याद रखिए आवर के बाद अपोस्ट्रोफी का कॉमन लग के एस नहीं लगेगा, ये गलत होता है, आवर्स अपोस्ट्रोफी कॉमन नहीं आते इसमें, ये मैंने क्लियर लिख दिया है। माइन माने मेरा, दिस बैग इज माइन, माइन प्रोनाउन है, दिस इज माई बैग, माई बैग, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता, प्रोनाउन होता है माइन, दिस बैग इज माइन। आवर्स, दिस स्कूल इज आवर्स, दिस इज आवर स्कूल, आवर स्कूल, आवर के बाद नाउन आता है, स्कूल आ गया, आवर स्कूल, ये आवर या माई, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं माइन आवर्स, आवर में एस लगता है, अपोस्ट्रोफी का कॉमा नहीं आएगा। सेकंड पर्सन पे आते हैं, सेकंड पर्सन में एक शब्द है यू, ये सिंगुलर के लिए भी आता है, प्लूरल के लिए भी, यू सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, यू का नॉमिनेटिव केस यू, ये सब्जेक्ट का काम करता है, नॉमिनेटिव केस मीन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। ऑब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है, आई गेव यू,
आई गेव यू अ बुक यस्टरडे, आई गेव यू अ बुक यस्टरडे, यू गेव मी अ बुक यस्टरडे, यू गेव मी, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, आई गेव यू, गेव के बाद यू है, ये ऑब्जेक्ट है, आई गेव यू, तो सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी यू होता है। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव केस यूअर्स, योर्स, योर में एस लगेगा, योर एडजेक्टिव होता है। योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, योर हाउस, योर के बाद नाउन आएगा, खाली योर से कार नीच लेगा, योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। योर पोजेसिव एडजेक्टिव, योर पोजेसिव एडजेक्टिव योर्स एस लग जाएगा और अपोस्ट्रोफ कोमा नहीं आएगा। ये बच्चे लिखते हैं योर्स फेथफुल्ली, उसमें ये अपोस्ट्रोफ कोमा डाल देते, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। योर पोजेसिव एडजेक्टिव योर्स पोजेसिव प्रोनाउन, बीच में ये कोमे वाला कोई शब्द नहीं होता, ये कोमा नहीं आएगा इनमें, ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं। योर एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव एस लगा, योर्स ये प्रोनाउन है। दिस बैग इज योर्स, दिस बैग इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, यह तुम्हारा पेन है, इसको यो भी कर सकते हैं, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, दोनों के सेंस एक ही है। योर पेन कहेंगे तो योर एडजेक्टिव बन गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, योर्स कहेंगे तो प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, दिस इज योर पेन, योर पेन की जगह प्रोनाउन लगाना हो तो दिस पेन इज योर्स, योर्स वाई ओ यू आर एस, ये पोजेसिव प्रोनाउन है योर्स, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव योर पेन, योर बुक, योर हाउस, योर स्कूटर, उसके बाद नाउन आता है। जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद नाउन आता है, पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। अब थर्ड पर्सन पे आते हैं, मैंने बताया यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, यू उसमें आता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आएगा। अब थर्ड पर्सन पे आते हैं, नॉमिनेटिव के ही सी इट और दे, ही सी इट, ही लड़के के लिए आता मैस्कुलिन आता, ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, ही सी इट तीनों सिंगुलर हैं, ही सी इट तीनों सिंगुलर है, तीनों का जो प्लूरल होता है दे होता है, ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे, ही सी इट थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, he, she, it तीनों सिंगुलर है, इनका प्लूरल दे, he पुल्लिंग है, she स्त्रीलिंग है, it जीवित वस्तु के लिए भी आता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी, छोटे जानवरों के लिए भी आता है, छोटे बच्चों के लिए इट आता है, छोटे बच्चे चाइल्ड के लिए बेबी के लिए इट आता है, छोटे जानवरों के लिए इट आता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट आता है, he पुल्लिंग, she स्त्रीलिंग, इट ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, इनका प्लूरल दे। ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, ही का हिम, आई गेव हिम ए पेन, आई गेव हिम ए पेन, ही मैंने उसको, आई गेव हर अ बुक, आई गेव हर मैंने उसको, आई गेव हर, हर ऑब्जेक्ट, प्लीज गिव इट सम वाटर, प्लीज गिव इट सम वाटर, कोई चिड़िया है कोई बिल्ली है, इट आएगा, प्लीज गिव इट, यहां पर इट ऑब्जेक्ट है। डैम ये प्लूरल है, दे का ऑब्जेक्टिव केस है, दे का ऑब्जेक्टिव केस डैम ये प्लूरल होता है। आई गेव डैम, आई गेव डैम ए फ्यू बुक्स ऑन ग्रामर, आई गेव डैम अ फ्यू बुक्स ऑन ग्रामर, डैम माने उनको, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट में दे आएगा, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, दे सब्जेक्ट है, I gave them a few books on grammar. Them उनको, ये ऑब्जेक्ट है। अब पोजेसिव केस, ये ऑब्जेक्ट है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है, प्लीज गिव इट सम वाटर टू ड्रिंक, इट सब्जेक्ट के तौर पे, इट इज नाइन ओ क्लॉक, इट इज 9 o'clock, it is 9 a.m. तो ये इट सब्जेक्ट का काम करता है। अब पोजेसिव केस,
ही का हिज, दिस स्कूटर इज हिज, दिस बुक इज हिज। ये हिज पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी, पोजेसिव प्रोनाउन पोजेसिव एडजेक्टिव, हिज ही रहता है, ही का हिज होगा, ही का हिज माने उसका, हिज माने उसका। दिस स्कूटर इज हिज, दिस इज हिज स्कूटर, हिज स्कूटर, हिज के बाद नाउन आ गया स्कूटर। दिस इज हिज हाउस, उसका घर, हिज हाउस, तो हिज आएगा उसका नाउन आएगा, वो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। अगर हिज के बाद नाउन ना आए तो प्रोनाउन होता है। दिस स्कूटर इज हिज, दिस स्कूटर इज हिज, ये स्कूटर उसका है। हर्स, ये प्रोनाउन होता है, हर अगर लगाएंगे तो पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज हर बैग, दिस इज हर स्कूटर, दिस इज हर हाउस। हर के बाद नाउन आ जाए, हर के बाद नाउन आ जाए तो पोजेसिव एडजेक्टिव, नाउन ना आए तो हर्स। दिस स्कूटर इज हर्स, हर्स आएगा उसके बाद नाउन नहीं आएगा। दिस हाउस इज हर्स, दिस बुक इज हर्स, हर्स एच ई आर एस, अपोस्ट्रोफ कॉमन नहीं आएगा। दिस इज हर बैग, हर के बाद नाउन हो गया बैग, तो हर हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस बैग इज हर्स, ये बैग उसका, दो रूत्र बन सकता है। इट जो होता है इसका पोजेसिव केस नहीं होता प्रोनाउन में, इट का पोजेसिव केस प्रोनाउन में नहीं होता, एडजेक्टिव में होता है। एडजेक्टिव में इट्स, इसमें एस लग जाए। इट्स विंग्स आर वेरी सॉफ्ट, कोई पक्षी है, इट्स विंग्स आर वेरी सॉफ्ट, इसके पंख बड़े सॉफ्ट हैं, इसके पंख बड़े सॉफ्ट हैं, इसके पंख जो बड़े सॉफ्ट हैं। इट्स विंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, इट्स विंग्स, इसके पंख, इट्स, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, पोजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता। इट्स के बाद नाउन लगना जरूरी है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। दे का देयर्स, अपोस्ट्रोफी का कॉमा नहीं आएगा, देयर्स। दिस स्कूल इज देयर्स, दिस हाउस इज देयर्स, दिस इज देयर हाउस, देयर टी एच एयर, देयर माने उनका, दिस इज देयर हाउस, हाउस नाउन होता, हाउस आ गया, देयर के बाद नाउन आ जाए तो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। अगर आपको नाउन नहीं लगाना, प्रोनाउन का इस्तेमाल करना, दिस हाउस इज देयर्स, टी एच ई आई आर एस, एस लग जाएगा, देयर्स, अपोस्ट्रोफ कॉमा नहीं आएगा, दिस हाउस इज देयर्स। अब मैंने बता दिया ये पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं जो पोजेसिव केस है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। जब पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं तो इनके बाद नाउन आता है, नाउन ना आए तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ये मैंने सारे लिख दिए, आपको बता दिया, पोजेसिव केस जो बनाते हैं उसमें कॉमा नहीं आता अपोस्ट्रोफी का। तो ये माइन का पोजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर्स का आवर, पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। योर्स, एस एडजेक्टिव योर, योर हाउस, योर स्कूल, योर बैग। हिज हाउस, हर हाउस, हर हाउस पोजेसिव एडजेक्टिव, हर्स हाउस नहीं आएगा। दिस हाउस इज हर्स, पोजेसिव प्रोनाउन। देयर्स, दिस स्कूल इज देयर्स, दिस कार इज देयर, दिस इज देयर कार, देयर कार पोजेसिव एडजेक्टिव, देयर कार, देयर में आने का देयर कार, ये पोजेसिव है। देयर्स, दिस कार इज देयर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी है, व्याख्या कर दी है, मेरा ख्याल है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।